एंटी मार्क्स का पेपर था, मतलब प्रैक्टिकल छोड़ के। इंशाल्लाह सर इतना अच्छा पेपर बनाया है बिहार बोर्ड वाला ने, मजा आ गया। 35 में से 35 आएगा। देखिए भैया, ईमानदारी से अगर बच्चा पढ़ा होगा तो ना, बोले बोले बोले, ईमानदारी से अगर बच्चा लिखा होगा तो 95% रिजल्ट बढ़िया होगा। मेरा तो आप चीटिंग कितना किया? चीटिंग नहीं, हम चीट किया मॉडल। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एक न्यूज रिपोर्टर सोनी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है और सेकंड सिटिंग संध्या का समय है। सभी स्टूडेंट लोग अपने अपने क्लास से बाहर निकलने, अभी उनसे पूछने वाले हैं कि कौन सा विषय का था। कौन सा विषय था भैया? सर अच्छा किया सर। कौन सा विषय था? ज्योग्राफी था। कितने अंक था एग्जाम सर? वो था और भैया कौन सा विषय था? ज्योग्राफी सर। ऑब्जेक्टिव कितना था? ऑब्जेक्टिव सर 35 सर। आपने कितना, आपको कितना नंबर आएगा सर? देखते लग रहा तो भगवान जाने कितना आएगा। अच्छा, स्कूल में चीटिंग भी चल रहा था क्या? नहीं नहीं कोई चीटिंग चलता, चीटिंग नहीं आएगा। व्यवस्था 90% आएगा। कितना परसेंट? 90%। कौन सा विषय आप दिए? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और ऑब्जेक्टिव कितना था? ऑब्जेक्टिव 70 को था, 35 को बनाया। एग्जाम देकर निकल रहे हैं और भैया आराम से, अभी तो आप पीछे रहिए ना। जैसे कि अभी आप लोगों को पता, अभी हम पूछने वाले हैं भैया कौन कौन सा क्या बोले। अरे अल्लाह ने भैया कौन सा विषय था? ज्योग्राफी। भैया इधर आइए ना, चीटिंग भी चल रहा था क्या? नहीं नहीं, ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी कितने नंबर का? 70। आपको कितना नंबर आएगा? हमको 65। हाँ 65 आएगा। चीटिंग चल रहा था? चीटिंग नहीं चल रहा था, चीटिंग कराई था, नहीं कराई। देख सकते हैं सभी लोग अभी यहाँ पे। हाँ भैया ज्योग्राफी था। कौन सा विषय था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको कितना नंबर आएगा? 90 आएगा जी। आप 65 और क्या? आराम से। सर आज का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा था, और 70 मार्क्स का पेपर था, मतलब प्रैक्टिकल छोड़ के। इंशाल्लाह सर इतना अच्छा पेपर बनाया है बिहार बोर्ड वालों ने, मजा आ गया। 35 में से 35 आएगा। चलो जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए वो बंदा भी बोल रहा था नीतीश कुमार गंजेरी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और भैया थोड़ा सा गैप बना कर रहिए। कौन सा विषय था भैया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी था। और कौन सा था? ज्योग्राफी था। आज का जो आपका विषय, आज जो ज्योग्राफी का विषय था बहुत अच्छा गया। अच्छा गया, बच्चा दिया 70 में से 60% कोई नहीं काटेगा। मोड खराब हो रहा है, ऐसा नहीं करिए। आप लोग शांति से जो भी पूछना शांति से जवाब दीजिए। कौन सा विषय था भैया? बहुत बढ़िया गया भैया एग्जाम आज का, लगभग 95% लिख गया, बढ़िया रिजल्ट दिया भैया। आप लोग ऐसे मत कीजिए, ऐसी नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए भैया, ईमानदारी से अगर बच्चा पढ़ा होगा तो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ईमानदारी से अगर बच्चा लिखा होगा तो 95% रिजल्ट बढ़िया होगा। मेरा तो अनुभव है एनसीईआरटी। आप चीटिंग कितना किया? चीटिंग ने हम चीट नहीं किया, ओनली चीटिंग करने नहीं दिया। छात्र हैं हम, चीटिंग नहीं करते। गुरुकुल में पढ़ने पढ़ने इस बार सबसे अच्छे से एग्जाम में चीटिंग कुछ नहीं हुआ। इस बार 95% रिजल्ट आएगा ही। हम लोग पढ़ते हैं किस लिए? चीटिंग करने के लिए। हम लोग पढ़ते हैं अपना नाम कमाने के लिए, माँ बाप का नाम करने के लिए। जिला स्कूल जिंदाबाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे। चलिए भैया, आप लोगों को क्या
राय विचार है कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, क्योंकि अब यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। देख रहे हैं बंदा सब अपने आप में बेकाबू हो रहा है, अपने आप में बेकाबू हो रहा है। इस तरह से आप लोग नहीं कीजिए, बाकी पीछे पुलिस प्रशासन भी है, वरना आप लोगों का डंडा भी पड़ सकता है। क्या सही बात है? इसीलिए माहौल को खराब नहीं कीजिए, माहौल को खराब नहीं करना है। सही बात है ना? बारी बारी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा जवाब दीजिए, सवाल जवाब दीजिए, ठीक है? बताइए आपका घर कहाँ भैया? कस्बा। आज कौन सा विषय का एग्जाम था? ज्योग्राफी। कौन सा विषय था? ज्योग्राफी था। कौन सा विषय था? ज्योग्राफी। ऑब्जेक्टिव कितने अंक था? 70 आप लोगों को क्या उम्मीद है उसमें से? कितना नंबर आपको 100 आएगा? 70 था ऑब्जेक्टिव, उसमें 35 बनाना था, उसमें से कन्फर्म है 32-33 आ ही जाएगा, कोई नहीं काट सकता है। अच्छा, 32-33 आएगा। अच्छा, 34 आएगा। एग्जामर को भी देख लेंगे, एग्जामर को भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, माहौल ज्यादा खराब हो रहा है, इसीलिए हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं रहे। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी आप लोग क्या विचार है कमेंट के माध्यम से बताइए।